मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ नामा देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम बाबर इमैनुअल है और मैं आज आपके हजूर हाजिर हुआ हूँ एक दुआया दरख्वास्त के लिए। ये दुआया दरख्वास्त है मणिपुर इंडिया में बसने वाले तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए। खुदा उनके हजूर शफायत करें। उन पर होने वाले जुल्म, तशद्दुद और शफाकियत को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। घरों के घर, चर्चेस को नजरे आतिश कर दिया गया है और मसीहियों को उनके घरों से निकाल कर ज्यादती जुल्म और शफाकियत का निशाना बनाया जा रहा है। जितना कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है, हालात इससे ज्यादा संगीन है और बहुत से लोग मारे जा रहे हैं और बहुत से तशवीशनाक हालत में मुब्तला और जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। आप तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि इस जुल्म का निशाना बनने वाले बहन भाइयों के लिए दुआ करें और खुदावंद अपने जोरे बाजू से उनकी और उनके ईमान की हिफाजत करें और इन हालात को अपने काबू में करके अपने लोगों के लिए साजगार माहौल को पैदा करें। आप तमाम पादरी साहबान और बिशप साहबान से मेरी दरख्वास्त है कि कल इतवार को जब आप अपने चर्चेस में दुआ करें तो उससे पहले एक मिनट की खामोशी ज़रूर इख्तियार करवाएं, जो कि अलामत है मणिपुर में बसने वाले तमाम उन लोगों के साथ यकजहती और उनके दुखों में शराकत को। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कल अपनी इबादत में ज़रूर अपनी शख्सी और इज्तमाई दुआओं में मणिपुर में बसने वाले तमाम मसीही बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद करें और खुदावंद के हजूर उनको लेकर आएँ ताकि खुदावंद उनकी हिफाजत करें। शुक्रिया।